की तरह अच्छे ही होंगे। तो टाइम हो रहा है 12:30 और मैं मयूरी को लेकर आई हूँ स्कूल से। मयूरी को स्कूल से ले आई, दोपहर तक का काम फिनिश कर दिया, लंच बना लिया। आज दाल चावल दोपहर में तो दाल चावल ही बनते हैं। और आज डेट है, कितनी डेट है मेरी यार, 11 है ना, 11 हाँ 11 तारीख है आज। और मैं अभी आज गई थी, बहुत दिन के बाद मैंने आपको पहले दिखाए थे जो अपने सूट सिलने के लिए दे के आई थी, लेकिन उसके बाद मैं अब उठा कर लाई हूँ। बहुत टाइम हो गया, टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये मैंने सिलवाया है, एक कुर्ती जो कपड़ा बता रही थी मैं आपको, ये वाली कुर्ती सिलवा ली मैंने। देखो ये अच्छी लग रही है, ये कॉलर वाली, ये है गोल इसका कॉलर, कर रही हूँ इसका कॉलर ये, और ये आगे से खुली हुई, ये वाली आगे से खुली हुई है इसकी, ये वाली आगे से खुली हुई अच्छी लगेगी ये। और ये है दूसरा सूट, एक ये वाला सूट है, ये सेल कर तैयार हो गया। ये वाला इसका, ये नीचे का पोर्शन है, ये पीछे का है, अच्छा लग रहा है, सिल कर तैयार हो गया। इसके साथ का ये प्लाजो बनवाया मैंने, ये नीचे से उन्होंने भाभी जी ने थोड़ी सी पट्टी लगाई है, ये प्लाजो। और एक दूसरा वाला ये है, ये वाला इसकी आस्तीन, ये इसकी आस्तीन, ये वाली बनवाई है मैंने, ये वाली, ये तैयार हो गया। और इसके साथ हम ये प्लाजो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं प्लाजो, मतलब गर्मियों में बहुत आराम वाले और फैशन वाले भी, और अच्छे लगते हैं, और मुझे बहुत पसंद है बहुत अच्छे लगते हैं प्लाजो सूट। तो अब ये मैंने सिलवा कर रख लिए, कभी अचानक जरूरत पड़ जाती है तो पहन लो, एक दूसरे कहीं आना जाना हो तो, और रखे बिना सिले रखे होते तो ऐसा लगता है आश्रम में सिलवा लिए होते तो हम पहन लेते, कहीं अचानक से में जाना पड़ जाता है। और अब तो वैसे भी 15-20 दिन या एक महीने के बाद लगभग जैसे स्टार्ट खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में पार्टी वगैरह शुरू हो जाएंगी, या फिर पार्टी इसके लायक तो नहीं है लेकिन कभी कभी पहन लेते हैं हल्की फुल्की जगह में, या फिर कहीं आना जाना हो तो पहन लेते हैं तो अच्छे लगते हैं। ये वाली कुर्ती तो मैंने अभी फिलहाल में डेली वेयर में कर लूँगी इसको यूज़ में, अगर पहन लूंगी इसको, और इसके ब्लैक और या फिर ग्रे कलर का प्लाजो इसके साथ कोई सेट चल जाएगा मेरा, तो मैंने अभी पहन कर नहीं देखे फिलहाल। वैसे तो भाभी जी बहुत अच्छे सिलते हैं कपड़े। और मेरी क्या कर रही है बेटा, मैं देखूंगी मम्मी के एल्बम, मजा आएगा। मेरी भी मम्मी के एल्बम देखेगी आज, आप देखेंगे मेरी की, मेरी के साथ मेरी शादी के एल्बम। आज क्या करेगी मयूरी, एल्बम देखेंगी। किसकी? मम्मी की। मम्मी की बस, पापा की मम्मी पापा की शादी की एल्बम देखेगी मयूरी। बहुत टाइम हो गया, कभी कभी देखने का मन करता है। अच्छा आज अचानक से मुझे ध्यान आ गया कि चलो मयूरी को दिखाती हूँ। मयूरी बहुत दिन से बोल रही थी, कह रही थी मम्मी आपने शादी के फोटो नहीं दिखाया, आपने वैसे फोटो देखने, कह रही थी दूसरे खुले हुए जो रखे हैं, तो मैंने कहा चलो आज एल्बम देखते हैं शादी की। तो मुझे फिर मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ थोड़े से फोटो के, जो कुछ मेन फोटो हैं शादी के। बहुत टाइम हो गया, कभी कभी तो मन करता ही है देखने का, और देखने भी चाहिए, खोलते रहना चाहिए एल्बम को, ताकि उसमें जैसे कभी कभी फफूंदी सी लग जाती है, चिपक जाती हैं आपस में फोटोज। तो मैंने आज ये एल्बम खोली है अपनी शादी की, मयूरी देख रही है। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, आप लोगों के साथ अपने कुछ पुरानी यादें शेयर करती हूँ शादी की, कैसे थे हम लोग, मैं कैसी थी और मयूरी के पापा जी कैसे थे, एकदम सूखी से पत्तू से। तो आपको मैं बताती हूँ अपनी शादी के एल्बम की कुछ
याद है कुछ ये जो पिक्स हैं इसमें कौन कौन है? ये तो आप मोस्टली देखकर पहचान ही जाएंगे कि ये कौन है, किसकी शादी की जब मैंने आपको बताया है। तो ये तो मैं और मेरे हस्बैंड, देखिए अब कितने मतलब कितना चेंज आ गया, बहुत ही ज़्यादा टाइम के साथ कितना चेंज हो जाते हैं हम लोग, और कैसे होते हैं और कैसे कितना टाइम के बाद में कैसे हो जाते हैं। ये देखिए कितने पतले और कितने कम एज और इस टाइप से, और आप देखिए कैसे हो गए यहाँ पर। ये मयूरी से मैंने बोला था बेटा आराम से, लेकिन ये ना वो जल्दी जल्दी पलट रही थी पेपर, तो ये हम लोगों की दोनों की सेपरेट सेपरेट फ़ोटो जो होती हैं, जो पहले तो ऐसी ही चलती थी फ़ोटो, ऐसी ही बनती थी, तो ये मयूरी ने बहुत जल्दी जल्दी पलट दी, ये आ गई है यहाँ पर। ये थोड़ी सी स्टार्टिंग में लगाती हैं फ़ोटो जयमाल की, और थोड़ी अकेले अकेले वाली, ये मेरी डांस जो मैंने डांस किया था तो ये वो फ़ोटो लगा दी थी यहाँ शादी वाले दिन मैंने डांस किया था जयमाला के बाद में, तो ये वो फ़ोटो है। और ये भी मेरी सेपरेट वाली फ़ोटो है, वहाँ तो बहुत सारी पिक्स लेते हैं फ़ोटोग्राफ़र, तो ये वो वाली फ़ोटो है यहाँ पर, मैं अभी दिखाती हूँ आपको आगे की। और ये यहाँ से स्टार्टिंग है यहाँ पर सगाई वाली फ़ोटो, जो सगाई होती है लड़के वाले के घर लेकर जाते हैं लड़की वाले लोग, तो वो ये वहाँ की स्टार्टिंग हो रही है फ़ोटोज़ इनकी। ये देखिए ये हैं, ये बैठे हुए हैं मेरे भैया, और यहाँ पर ये भैया टीका कर रहे हैं इनके, मतलब मेरे हस्बैंड के, और ये है ये भैया गोद में कुछ दे रहे हैं इनके, यहाँ ये रिंग पहना रहे हैं, और ये छोटा वाला भाई है ग्रीन कलर की जर्सी में, और ये छोटा भाई है, ये यहाँ पर बैठे हैं मयूरी के पापा जी, और ये इनकी तरफ के लोग हैं सारे। और ये ब्राउन कलर की साड़ी में मेरी सासू माता जी, और ये अभी अगर दिखाती हूँ मैं आपको, ये है मेरी जेठानी। तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है शादी वाले दिन का प्रोग्राम, जो दिन में यहाँ से मतलब ससुराल से जो बारात जाती है, तो यहाँ पर ये इनके टीका वीका होता है, दूल्हा तैयार होता है, तो ये इनकी बहन वगैरह ये सब लोग, बहन भाभी सब लोग टीका करते हैं। और ये रात का है, नहीं रात का नहीं अभी दिन का, ये घुड़चढ़ी जो होती है घुड़चढ़ी का टाइम है, ये इनकी तरफ से जब दूल्हा दूल्हे की घुड़चढ़ी होती है उस समय का, ये हाँ घोड़ी पर चढ़ गए हैं ये मयूरी के पापा जी, और ये इनके सारी मौसी, ये इनकी बहन है, तो ये सब लोग ये डांस कर रहे हैं ये, और ये है इनकी मेरी ननद, और ये सब लोग, ये है मेरी जेठानी, ये डांस कर रही है यहाँ पर घुड़चढ़ी पे, तो सभी लोग डांस करते हैं सभी के यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ वैसे कुछ लोगों के यहाँ अलग अलग रिवाज होता है, लेकिन सबका अपना अपना होता है। तो यहाँ पर ये सब लोग डांस कर रहे हैं घुड़चढ़ी के टाइम पर दिन में, जैसे जिस समय बारात लेकर निकलता है दूल्हा। ये आ गई है रात का टाइम आ गया है, अब ये है रात की चढ़त जो होती है बारात की, तो ये यहाँ पर बैठे हैं, ये बग्गी बोलते हैं उसको, रथ टाइप का पता नहीं क्या, तो उस पर सब लोग दूल्हे के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं जब रात को बारात चढ़ती है तब। ये मेरे देवर हैं नीले सूट में, और ये मेरे जेठ है, ये और उनके साथ के कुछ लोग हैं जिनको मैं मतलब सही से जानती नहीं, और ये मेरे देवर और जेठ इनके साथ में, तो ये सब लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए और यहाँ पर आ गए हैं घर के पास में बिल्कुल, जो द्वार बार होता है उस टाइम पे तिलक करती है दूल्हे की लड़की की बहन दूल्हे के टीका करती है। तो ये भी है मेरी दीदी पिंक कलर की साड़ी में जो मेरे से बड़ी वाली है, और ये है मेरे पापा जी ब्लू कलर के कोट में, मेरे पापा जी अब नहीं है एक्सपायर हो गए हैं, तो ये उस समय के फ़ोटो दूल्हे के जो करते हैं जो टीका वीका करते हैं यहाँ पर। ये मुझे जयमाला के लिए ले जा रही है मेरी दीदियाँ, हम सारी पांचों बहनें हैं, पांच बहनें हैं तो हम सब एक साथ हैं, ये यहाँ पर पांचों बहनें। तो अब ये आ गई जयमाला की फ़ोटो, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है जयमाला, तो ये जयमाला की फ़ोटो।
तो अब ये स्टार्ट हो गए हैं फेरे। यहाँ से हैं फेरों की फ़ोटो। ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी धुंधली आई हुई है। यहाँ की फ़ोटो तो बहुत ज़्यादा साफ मतलब क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर फिर ये फेरे स्टार्ट हो गए हैं जो फेरे होते हैं। तो ये मांग भरते हुए ये मेरी मांग भर रहे हैं उस समय, तब की फ़ोटो है ये। और ये मैं इनके टीका कर रही हूँ, पता नहीं पंडित जी जो भी करवाते हैं क्या जो जो करवाते हैं सबकी फ़ोटो है यहाँ पर ये। और ये है मॉर्निंग में जब दूल्हे के टीका होता है, जब लड़की वाले मतलब उस विदाई से पहले टीका करते हैं दूल्हे के, वो है फ़ोटो यहाँ की। और ये ओह गॉड कैसा टाइम होता है ये एक लड़की के लिए, जो जो मतलब जो मैरिड हैं वो समझ सकती हैं कि ये मतलब ये टाइम कैसा होता है। ये भैया के साथ है मेरी फ़ोटो और मेरे ये दोनों भाइयों के साथ, दीदी है, पापा हैं, मम्मी वगैरह सब के साथ में ये फ़ोटो है मेरी। तो ये टाइम बहुत ही मुश्किल होता है। तो देखिए विदाई, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी। तो अब यहाँ से स्टार्ट है हमारे रिसेप्शन पार्टी के फ़ोटो, जो जो दुल्हन आ जाती है उसके बाद में ससुराल में जो पार्टी होती है वो वाली, क्या कहते हैं उसको, रिसेप्शन वाली पार्टी। तो यहाँ पर ये मेरे ससुराल के लोग, और ये बस यहाँ पर हो गई है ख़त्म एल्बम। मैंने बहुत जल्दी जल्दी दिखा दी थी आपको, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती। तो ये लास्ट वाला पेज है एल्बम का, बस यहीं पर मेरी एल्बम ख़त्म। ये थी मेरी शादी की एल्बम, बहुत टाइम के बाद मैंने निकाली थी। आज मेरा अचानक मन कर गया था तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी अपनी शादी की जो एल्बम है मतलब फ़ोटोज़ उन सबको आपके साथ शेयर करूं। आई होप आपको मेरी शादी की बहुत पुरानी वाली एल्बम, ये काफ़ी टाइम हो गया शादी को तो एल्बम भी पुरानी हो गई, थोड़ी सीलन सी आ गई इसमें, जैसे थोड़ा पसीब टाइप का आ जाता है ना सीलन, पानी पानी सा हो जाता है उसको। तो मैंने अचानक इसीलिए खोल ली थी कि मैं चलो देख लेती हूँ खोल कर कैसी हो रही है। तो देखा तो वाकई में वो उसमें थोड़ी सी सीलन सीलन सी आ गई है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि जीरो ने काफ़ी टाइम से अपनी एल्बम नहीं देखी है मतलब खोली है, तो उसको थोड़ा थोड़ा खोल कर देखते रहें ताकि वो ख़राब ना हो। कभी कभी देख लेते हैं तो अच्छा लगता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और तो इसी बहाने मैंने आज आप लोगों के साथ अपनी ये शादी की एल्बम शेयर की थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की एल्बम वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी शादी की फ़ोटोज़ आपको कोई अगर एक फ़ोटो भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो